कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जी व्यूअर्स, ये वीडियो मैं उन ख्वातिनों हजरात के लिए बना रही हूँ जिनकी स्किन ड्राई है और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और अपनी खुश्क जल्द से परेशान हैं, क्योंकि खुश्क जल्द पर झुर्रियाँ जल्दी नमूदार हो जाती हैं और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आता है। ऐसे तमाम ख्वातिनों हजरात के लिए ये रेमेडी हाजिर है। इसके इस्तेमाल से चेहरे की खुश्की ख़त्म हो जाती है, चेहरे की जल्द नरम व मुलायम हो जाती है और चेहरे पर ग्लो नज़र आता है। इस रेमेडी से रिंकल्स भी ख़त्म हो जाती हैं और स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है। अब इसमें कौन सी चीज़ें शामिल करनी हैं? एक है मुल्तानी मिट्टी और एक है जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल। आपको ये भी बता दूं कि जैतून का तेल हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है और ये हमें क्या क्या फ़ायदे देता है। जैतून का तेल हमारी जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। तहकीक के मुताबिक जैतून के तेल से जिल्द की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। जैतून का तेल कुदरती फवायद से मालामाल है। जैतून से बने प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं क्योंकि जैतून का तेल कुदरती मॉइस्चराइज़र का काम देता है। इसका मसाज न सिर्फ जिल्द को चमकदार बनाता है बल्कि जिल्दी अमराज से बचाने में भी मदद देता है। इससे साबित हुआ कि जैतून का तेल न सिर्फ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि हमारी जिल्द के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मैं आपको मुल्तानी मिट्टी का भी बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी हमारी जिल्द के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और ये हमें क्या क्या फ़वाद फराहम करती है। चेहरे के कील, दाने, छाइयाँ और फालतू चिकनाई को मुल्तानी मिट्टी ख़त्म करती है। जिस्म की किसी भी किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है और ख़ूबसूरत बनाती है। इंसानी जिल्द में छोटे मसाम होते हैं, इन मसाम को ज़्यादा देर तक बंद नहीं रखना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी के बाकायदा इस्तेमाल से न सिर्फ ये मसाम खुलते हैं बल्कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का भी मुकम्मल खात्मा हो जाता है। ये मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी के फ़वाद बताए हैं। तो मैं अब जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ओलिव ऑयल का और मुल्तानी मिट्टी का। अब इसको किस तरह बनाना है, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। जी व्यूअर्स, इसके बनाने का मैं तरीका भी बता दूं कि किस तरह आपने मुल्तानी मिट्टी और ओलिव ऑयल का पेस्ट बनाना है। आप 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल मिक्स कर लें और पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट अपने चेहरे पर अच्छी तरह लगा लें और 15 मिनट बाद अपना फेस धो लें। हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। आपकी स्किन ग्लोइंग, यंग और ख़ूबसूरत हो जाएगी। हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये रेमेडी ड्राई स्किन वालों के लिए है। वो ख़वातीनों हजरात जो अपने ड्राई स्किन की वजह से परेशान हैं और अपने चेहरे की खुश्की को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रेमेडी उनके लिए बेस्ट है। इसलिए ड्राई स्किन वाले ख़वातीनों हजरात ये रेमेडी यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।